हेलो फ्रेंड, जस्ट एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ले गए हैं तत्सम। तत्सम हमारे हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया है और ये आपके आने वाले यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप एजुकेशन ग्रुप पर इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे और हमें ये पता चलता रहे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है तत्सम शब्द के ऊपर। तत्सम शब्द जो है वो तत् और सम दो शब्दों के योग से बना है। तत् का अर्थ होता है संस्कृत और सम का अर्थ होता है समान, यानी वो शब्द जो संस्कृत के समान ही लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो इस तरह से करेंगे, जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हों तथा किसी ध्वनि परिवर्तन के बगैर जो कहते तो हिंदी भाषा में इस्तेमाल हो रहे हों तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनमें से हमें यह छाँटना है कि तत्सम शब्द कौन से हैं। तो उम्मीद है आपको हमारे ये शब्द अच्छे लगेंगे और आप इसे अपने लेवल पे भी कोशिश करना और हम इसमें आपको साथ साथ उत्तर भी बताते रहेंगे। तो पहला शब्द है जेठ, दूसरा शब्द है जिठौर, तीसरा शब्द है जेठा और चौथा शब्द है ज्येष्ठ। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है? तो शुरू का जो जेठ है, जिठौर है और जेठा है, ये सब हिंदी के शब्द हैं। यहाँ पे ज्येष्ठ शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। अगला लेते हैं, पहला शब्द है अजीरन, दूसरा शब्द है बदहजमी, तीसरा शब्द है अजीर्ण और चौथा शब्द है सबेरा। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वो है अजीर्ण। अगला ले लेते हैं, पहला शब्द है धीरज, दूसरा है शौर्य, तीसरा है बेसब्री और चौथा है चकपकाहट। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है जो संस्कृत से ही चुगत हुआ है वह है शौर्य। अगला है निर्वाह, तकरार, कटोरा, झगड़ा और यहाँ तो शब्द तत्सम शब्द है वो है निर्वाह। अगला पुजारी, भक्त, भगत, पंछी। तो यहाँ तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ तत्सम शब्द है भक्त। अगला है रोशनी, ज्योति, अंधेरा या ज्योति। यहाँ पे तत्सम शब्द है ज्योति। अगला है योद्धा, जोधा, घुड़सवार, सिपाही और यहाँ तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ तत्सम शब्द है योद्धा। अगला है मार्ग, रास्ता, मार्ग, वापसी और यहाँ जो तत्सम शब्द है वो है मार्ग। अगला है मामा, चाचा, ताऊ, मातुल और यहाँ तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ तत्सम शब्द है मातुल। अगला है पिता, माता, भगिनी, भाभी और यहाँ तत्सम शब्द है भगिनी। अगला है भौजाई, जोरू और चाची और यहाँ जो तत्सम शब्द है वह है भातृज्या। पुत्री, बेटी, पोती, बेटा और यहाँ जो तत्सम शब्द है वह है पुत्री, बिटिया, दुहिता, गायें, कलश्य और यहाँ जो तत्सम शब्द है वह है दुहिता। अगला है शीशम, नीम, शिशुमा, सफल और यहाँ जो तत्सम शब्द है वह है शिशुमा। अगला है जामुन, कदम, जमुना, आम्र और यहाँ जो तत्सम शब्द है वह है आम्र। होलिका, होरी, पुनो, होसी और यहाँ जो तत्सम शब्द है वह है होलिका। अगला है साली, शियाली, सारी या हरियाली और यहाँ जो तत्सम शब्द है वो है श्याली। अगला है पत्ता,
पति, पत्र और चिट्ठी, और यहाँ जो दशम शब्द है वह है पत्र। अगला है शोषण, शोषण, शोषण या शोषण, और यहाँ जो सही शब्द है वह है दशम शब्द शोषण। अगला है पोषण, पोषण, अर्गदा, आम, और यहाँ जो दशम शब्द है वह है पोषण। अगला है श्रृंगार, सिगार, बनावट, लाली, और यहाँ जो दशम शब्द है वह है श्रृंगार। अंजुली, हाथ, अंजलि, पोथी, और यहाँ जो दशम शब्द है वह है अंजलि। अगला है श्रद्धा, शारदा, माता, श्रद्धा, और यहाँ जो दशम शब्द है वह है श्रद्धा। अगला है बिरज, वज्र, ब्रज, वृज या बिदावल, और यहाँ जो दशम शब्द है ब्रज। अगला है चूड़ामणि, चूड़ामन, हंसुली, चांदनी, और यहाँ जो दशम शब्द है वो है चूड़ामणि। अगला है एतवार, आदित्यवार, इतवार या फागुन, और यहाँ जो दशम शब्द है वो है आदित्यवार। अगला है अहीर, दूधिया, आभीर या बकरी, और यहाँ जो दशम शब्द है वो है आभीर। अगला है गर्भिणी, गामिन, ग्याविन या ब्याता, और यहाँ जो दशम शब्द है वो है गर्भिणी। अगला है अम्मा, अम्बा, माता या मैया, और यहाँ जो दशम शब्द है वो है अम्बा। अगला है दूध, अवतार, मालिक या प्रस्तर, और यहाँ जो दशम शब्द है वो है प्रस्तर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप एजुकेशन ग्रुप पे से शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या कमी दिखाई दी, ताकि हम उसे दूर कर सकें।